देखो, अगर आप अपने सपने को पूरा करने में बार बार नाकाम हो रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके प्रयासों में कोई न कोई कमी जरूर है। तुम आने वाले 5 साल जमकर मेहनत कर लो, भूल जाओ दुनियादारी, भूल जाओ दोस्ती यारी। अगर आने वाले 50 साल अच्छे से रेस्पेक्टेड लाइफ जीना चाहते हो तब जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। एक बात हमेशा याद रखना, सबसे अलग रहोगे तभी सबसे अलग दिखोगे। और कभी ये मत सोचना कि तुम नहीं कर पाओगे, जिस दिन आपने यह सोच लिया उसी दिन आप हार जाओगे। अरे सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है मगर कुछ ख्वाहिशें आज भी बाकी है। अगर जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है। देखो, जहां आप कुछ नहीं कर सकते, जहां कुछ समझ में नहीं आता, वहां एक चीज आप जरूर करें, कोशिश। कोई नजर अंदाज कर रहा है तो करने दो, कोई देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना, तुम अपनी मेहनत से एक दिन ऐसा वक्त जरूर लाना कि वो एक दिन तुमसे मिलने के लिए तुमसे नहीं, तुम्हारी पीए से परमिशन लेनी पड़े। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। देखो, सफलता की खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि अपनी असफलता से सीख लेना। और समस्या से डरो मत, क्योंकि गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। और मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जिसको आप ज़्यादा खुराक दोगे वो हमेशा जीतेगा। इसलिए अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि यही आपको एक दिन सफलता दिलाएगी।